बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अलाइन टेक्स्ट इन HTML। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम एज यूजुअल एक्सक्लेमेशन मार्क में डॉग टाइप HTML लिखेंगे और साइड पर एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। और ये HTML टैग का स्टार्ट है और ये HTML टैग का एंड है। सिमिलरली ये बॉडी टैग का स्टार्ट है और ये बॉडी टैग का एंड है। और इसमें हमने ये H1 हेडिंग यूज़ की है, H2 हेडिंग यूज़ की है और एक पैराग्राफ का टैग P टैग यूज़ किया है। सो, जब हमें अलाइन करना होता है टेक्स्ट को, तो सपोज़ हम हेडिंग को अलाइन करना चाहते हैं। यहाँ पर H1 की हेडिंग है, उसको अलाइन करना चाहते हैं। तो जो H1 का ओपनिंग टैग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग टैग का एंड हो रहा है। तो इस ओपनिंग टैग में हम स्टाइल का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और स्टाइल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कोटेशन मार्क्स के अंदर टेक्स्ट डैश अलाइन लिखते हैं और उसके बाद कॉलन डालकर, अगर सेंटर अलाइन करना हो तो हम सेंटर लिखते हैं, राइट अलाइन करना हो तो हम राइट लिखते हैं, लेफ़्ट अलाइन करना हो तो लेफ़्ट लिखते हैं। सिमिलरली अब नीचे हेडिंग 2 है, इसको हमने राइट अलाइन करना है और इसके बाद सेमी कॉलन भी आता है। सिमिलरली हमने अब टेक्स्ट को जब राइट अलाइन करना है तो बाकी सब तो सेम है, कोटेशन मार्क्स में टेक्स्ट डैश अलाइन और उसके बाद कॉलन आएगा और उसके बाद यहाँ पर हम राइट का वर्ड लिखकर सेमी कॉलन डाल देंगे। फिर नीचे पैराग्राफ में हमने लेफ़्ट अलाइन करना है तो टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन लेफ्ट, सॉरी यस कॉलन लेफ्ट और उसके बाद सेमी कॉलन आ जाएगा। सो इस तरीके से हम टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं। सो दिस इज़ द आउटपुट। इसमें H1 सेंटर अलाइन है, H2 राइट अलाइन है और पैराग्राफ जो P टैग यूज़ किया था उसमें हमने पैराग्राफ एक वर्ड लिखा था तो ये लेफ़्ट अलाइन है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।